गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। इस करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट में 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक के बीच के जो करंट अफेयर छूटे हुए हैं वो सारे कराएंगे और ट्रिक्स वगैरह के साथ करा देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया में हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो शकुंतला मैंने बताया था, एक कुंतल खाना, ये तो खाने से रिलेटेड था। कुतुबुद्दीन, ये इन्हें क्या मिला था, अरब वर्ल्ड का नोवल करके, ठीक है। तो ये क्या है, शाहजी NM। अब याद कैसे रखोगे, तो देखो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसके यहाँ थी, ऐसे याद कर लो, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसके यहाँ थी, शाहजहाँ के यहाँ थी, शाहजहाँ के यहाँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा शाहजी NM करके याद रखोगे आप, ठीक है, आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो देखो सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो, NBA का छठवां मैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, NBA का, ठीक है। तो NBA का छठवां मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखो इसे तो दिया नहीं गया, तो ये दिया गया NBA, BA करके मेरे सन की क्लर्क में नौकरी लग गई, ऐसे याद करो, BA करके मेरे सन की क्लर्क में नौकरी लग गई है, ठीक है, आंसर डी, ठीक है, याद रह जाएगा। देखो मैंने ऐसे ही करके याद किया था और याद आ गया मुझे, सन की क्लर्क में नौकरी लग गई है BA करके। नेक्स्ट, इसमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार मिला है, तो देखो ऐसे याद करो, डबल, डबल से कैसे याद करोगे, डगलस नहीं, मारिया लुकास रेंजबर्ग नहीं, और बेलेरिया और लुसेली। देखो वो आदमी बेला बैठा रहता है और उसने अपनी आय को डबल कर लिया है, बेला बैठा रहता है और उसने अपनी आय को डबल कर लिया है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो देखो FIH कह रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये है। तो देखो ये हेमंत बिस्वा सरेन, ये असम के अभी क्या बने थे, CM बने थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और इन्हीं को क्या बनाया गया है, इन्हीं को बनाया गया है FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, ठीक है। और ये बीना जॉर्ज क्या बनी है, तो देखो पहले जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी ना KK सैलजा, उन्हें हटा के अब इन्हें बीना जॉर्ज को बना दिया गया, तो आंसर होगा सी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो एशिया कप है ना 2021 से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो अभी होंगे 2023 में, कब होंगे 2023 में, याद रखना, दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया। एशिया कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये एशिया कप अब होगा कहाँ पे, बताओ एशिया कप कहाँ पे होगा, तो ये श्रीलंका में ही होगा, कहाँ होगा, श्रीलंका में, 2021 में भी श्रीलंका में ही होना था। नेक्स्ट, अभी देखो अफ्रीकी चीतों को ना कुनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है, तो मतलब 10 चीते आ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ चीते विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो कुनो नेशनल पार्क है, ये पूछ रहा है ये कहाँ पे, तो देखो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आपके जो पूरा सिर है ना, उसमें जो कुनो को कर लो कान, कान बीच में आते हैं, कहाँ पे आते हैं, पूरे सिर के बीच में कान है, इस तरीके से साइड से देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नीरा गोगा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, तो ऐसे तो ये किस देश में, ये पूछ रहा है, तो ठीक है, तो जापान में है नहीं, इटली में है नहीं, इसमें है नहीं, कोंगो में, किस में होगा, कोंगो में होगा या और किसी में होगा, बताओ। नीरा गोगा, देखो एक सेकेंड, तो नीरा गोगा ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें अभी विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ये गो, ऐसे याद रख लो, निरे लोग चाहते हैं कि, ऐसा याद रखो, मैं बताऊँ मैंने कैसे याद किया था, कांग्रेस, कोंगो को याद रख लो, कांग्रेस कहती है उन्होंने निरा काम कराया, कितना काम कराया, निरा काम कराया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट है, BWF परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया, तो BWF के सदस्य के रूप में किसे चुना गया, बताओ, तो इन्हें चुना गया नरेंद्र बत्रा को, किसको, नरेंद्र बत्रा, ठीक है, BWF। अच्छा, एस रमन्ना और एन वी रमन्ना कौन बने थे, बताओ, एस रमन्ना तो वो बने थे सिडबी के, ठीक है, और सिडबी का वो हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। एन वी रमन्ना कौन है, बताओ, ये अपने मुख्य न्यायाधीश बने थे, कौन से, 48 नंबर के, ठीक है। और ये याद रख लेना, ये जो है बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट, अभी देखो 57 अक्षय ऊर्जा के आकर्षण सूचकांक का है, तो देखो ऐसे याद रखो, अक्षय ऊर्जा में ऐसे लिखा ना मैंने अक्षय, तो अब ये निकाल लो यहाँ से, तो तीसरे नंबर पे भारत, कितने नंबर, तीसरे नंबर, ठीक है। नेक्स्ट,
फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है, शीर्ष पर कौन है, मैंने बोला कौन है तो मतलब ये कौन ही है, कोनोर मैकग्रेगर, कौन ही को किस पे टॉप पर है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में किस देश ने 2227 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया। तो देखो पता है जीडीपी निकलती है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो ये बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया। हमने ही हमारी ही मदद से आज़ाद हुआ था इंडिया की मदद से 1971 में, और देख रहे हो आज इसकी पर व्यक्ति जीडीपी हम लोगों से आगे निकल गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब देखो ऐसे याद करो, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा बंगला गाड़ी आएंगे, तो क्या आएगा, बंगला बनवाओगे आप, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो इसराइल ने सौम्या संतोष, अब देखो ऐसे याद रख लो, वो आदमी इतना अच्छा है, आदमी इतना अच्छा है कि केरल को कर लो करेला, करेला खाने को मिलता है उसे डेली, और फिर भी उसे क्या संतोष है। ठीक है, तो इसराइल ने किसको मानक नागरिकता दी। अभी देखो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में ना वो चल रहे थे, रॉकेट इधर से उधर दागे जा रहे थे, तो अब ये सौम्य संतोष का ना निधन हुआ था, आपको याद हो तो बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था, तो ये केरल की थी, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो वो आदमी करेला खा के भी संतोष में जीता, इस तरीके से थोड़ा याद रखो। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह महासागर में स्थित है, ये बहुत ज़्यादा फेमस था, तो देखो ऐसे याद रखना ये पैसिफिक ओशियन में, कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में। और देखो पता है यहाँ पे एक डार्विन की आर्च है, आर्च और डार्विन, उसमें ऐसा था ये दो पिलर लगे हुए थे, ये बीच में ये जुड़े हुए थे, अब क्या हुआ है, अभी ना ये टूट गया बीच में से, तो अभी केवल ये दो पिलर रह गए। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा तो याद रखना। और वैसे भी देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, तो मोस्टली सारी चीज़ें कहाँ पर, इसी में ही। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे अमीर, देखो पहले नंबर पर अंबानी और दूसरे पे अदानी, ऐसे याद रखो। ठीक है, अंबानी और अदानी, तो गौतम अदानी आ गए दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट है इसमें से कोपा, देखो सी ओ पी ए लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सी ओ पी ए, अमेरिका की मेज़बानी करने से मना कर दिया, तो सी ओ कहाँ लिख रहा है, सी ओ यहाँ लिख रहा है, तो ऐसे याद करो, कोलंबिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, कोविड से संबंधित मुद्दों की संबंधित जानकारी के लिए बच्चों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही टेली परामर्श। तो देखो आजकल क्या हो रहा है ना कि मतलब अगर कोई एक्सपायर होता है ना, तो अगर आप उसे संवेदना देते हो तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब उसे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है उसके साथ, तो संवेदना देना बहुत ज़रूरी है, तो संवेदना किससे रिलेटेड, टेली परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय, अब देखो बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उन्हें लाइन में नहीं लगाते, इसीलिए क्या है एल्डर लाइन, उनके लिए अलग से लाइन लगा दो। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी, बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से लाइन। ठीक, और इनके सामाजिक न्याय मंत्रालय के वो कौन है, इनका किस पे है पदभार, ये है सामाजिक न्याय मंत्रालय किस पे बताओ, छोड़ो अभी दिमाग में से उतर रहा है, नेक्स्ट बाद में बता देंगे। पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में A76 क्या है, A76 ना आइसबर्ग है, क्या है आइसबर्ग, ये सबसे बड़ा आइसबर्ग था, तो ये कहाँ, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो वहाँ से ये टूट के अभी वहाँ पे बहने लग गया है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स् ट, तो COVID-19 की RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉली चेन रिएक्शन वर्जिन जेन किसने लॉन्च की। देखो हमारे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा काम किसका है दवाइयों के मामले में, सिप्ला का ना बहुत काम है, तो ये किसने लॉन्च की, सिप्ला नहीं करी। नेक्स्ट, किसने टेम्पलटन पुरस्कार जीता है, तो देखो कौन सा कह रहा है, टेम्पलटन, देखो टेम्पल में अगर कोई जा रहा है, किस में जा रहा है, टेम्पल, तो वो बच्चा कैसा होगा, गुड बच्चा होगा, कैसा बच्चा होगा, गुड, तो उसे जाने दो, गुड बात है, तो टेम्पल में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2022 में, तो 2022 में ये किया जाएगा भारत में। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, भारत में। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो पहले था नरेगा चलता था, फिर हो गया मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कब कर दिया गया था बताओ, 2009 में, ये 2006 में था नरेगा। ठीक है, अब इनकी ना वहीं तुरंत अटेंडेंस लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाएगी NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जितने भी जॉब है ना गवर्नमेंट की, उन सब में अभी धीमे धीमे यही चीज़ें लागू होंगी, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, आप जाओगे तुरंत वहाँ पे, इसे एप्लीकेशन से आपकी अटेंडेंस लगेगी, आंसर होगा सी।
नेक्स्ट अभी देखो, ICMR ने किसकी मंजूरी दी है, तो किसकी, नए इंजेक्शन नहीं, तो कोविशेल्फ है ये। कोविशेल्फ क्या है, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद से। सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद से। तो ये क्या है, कोविशेल्फ टेस्ट किट, आप घर पर ले आओ और खुद से ही टेस्ट कर लो कोविड है कि नहीं है आपको। नेक्स्ट अभी देखो, हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लक्स बिटला, क्या है केयर प्लक्स, तो देखो ये है नहीं, ये है नहीं, तो ये क्या है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन। ये क्या है, जैसे कि अभी पता है आपको अपने ऑक्सीजन रेट चेक करना हो कि आपकी ऑक्सीजन कितनी चल रही है, 90 से लेके कितनी चल रही है, उससे भी कम चल रही है, तो आप अपने मोबाइल इस पे ना स्कैन कर लो उंगली, सो ही बता देगा ये, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीतने वाले भारतीय कौन बने, ये पहले बन गए, क्या बने, पहले, ठीक है याद रखना। तो ये कौन है, सुरेश मुकुंद। देखो सुरेश ऐसे याद हो, सुरेश मतलब सुरों के ईस, कौन है, इंद्र जी, इंद्र देवता, और इंद्र देवताओं को क्या पसंद थी, कोरियोग्राफी, ठीक है आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हाल ही में केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई, तो केन्या को ना इस वर्ड से आप याद कर सकते हो, या ऐसे याद रखो, मात कन्या को ना जन्म होते ही क्या कर देते हैं लोग, मार देते हैं ज़्यादातर पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, तो ऐसे इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट आयुष्मान भारत, वो आयुष्मान स्कीम कब चालू हुई थी, 2018 में चालू हुई थी, तो इसके तहत सबसे पहला स्थान किसको मिला है, किस राज्य को सबसे ज़्यादा स्थापित करने में, तो ये मिला है कर्नाटक को, तो ऐसे याद रखो आयुष्मान, मतलब ये लड़का बहुत ज़्यादा नाटक करता है और इसको फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं आयुष्मान वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्मार्ट सिटी रेड, स्मार्ट अगर सिटी बनानी है तो क्या करना, झाड़ू डेली लगनी चाहिए, क्या लगनी है, झाड़ू, तो झाड़ मतलब डेली झाड़ू लगनी चाहिए, ऐसे याद करो झारखंड को मिला है। नेक्स्ट अब देखो हाल ही में भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में, मतलब ये 6 हो गए। अब ऐसे एक चीज़ याद रखना, यूनेस्को में अभी ना 38 हैं हमारे जो धरोहर शामिल हैं। अब देखो ये अस्थायी सूची अलग से होती है, इसमें ना कुछ चीज़ें जाती हैं फिर वो वहीं से फिर स्थायी सूची में डाल दी जाती हैं, ठीक है याद रखना 6 डाली गई हैं अभी। अब एक चीज़ और याद रख लेना, रामसर साइट हमारे यहाँ 42 हैं, आखिरी है तसोकर झील, कौन सी है, तसोकर लद्दाख वाली, ठीक है आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट अभी देखो राज्य विधान परिषद 169 में आर्टिकल, ये आर्टिकल याद रखना इम्पोर्टेंट बनेगा आजकल। तो देखो पश्चिम बंगाल को मंजूरी दे दी है, किस राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पश्चिम बंगाल, इनके यहाँ पहले ना 1935 के समथिंग पहले इनके यहाँ चलती थी विधान परिषद, ठीक है इसीलिए फिर दोबारा से इनकी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब ये ना कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने संसद में, संसद से अगर मंजूरी मिल जाएगी तो इनके यहाँ बन जाएगी ये क्या विधान परिषद, और विधान परिषद में मिनिमम कितने, 40 मेंबर होने चाहिए, 1/3 विधानसभा के, ठीक है आंसर होगा ए। नेक्स्ट अभी देखो परिवार के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा जो भी COVID-19 से अपने सदस्यों को खोते हैं, तो दिल्ली में खूब पैसा है ना, दिल्ली में जाके पैसे कमाते हैं लोग, ठीक है तो इतना ज़्यादा मुआवजा कौन दे पा रहा है, दिल्ली, ऐसे याद करो। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान चक्रवात यास की चेतावनी दी, इसका नामकरण यस, अब देखो जो अभी आया था तोकाते, क्या आया था, तोकाते, उसको म्यांमार ने दिया था, ठीक है। अब देखो तुम किसी बच्चे से कह रहे हो कि मांजा, तो वो क्या कहता है, यस, तो मांजा मतलब मान, ओमान, ठीक है आंसर क्या होगा, ओमान। नेक्स्ट अब देखो तिब्बत निर्वाचन सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो नए राष्ट्रपति चुने गए, तो देखो तिब्बत को ना चैन नहीं लगने देता, कौन, चाइना ने कब्जा कर रखा है तिब्बत, चैन और पेन, कैसे याद करोगे, चैन और पेन, पेन पर शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत कब होती है, ईद पे होती है, कब होती है, ईद पे बहुत सारी पुलिस फोर्स आपने देखी होगी, तो मोईद कर लो इसे, मोईद यूसुफ, ठीक है इस तरीके से याद रखो। अपने यहाँ के कौन है, अपने यहाँ है डोबरियाल, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट अभी देखो ये हैयांग 2D उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो देखो ऐसे याद करो हाय, तो इसे ऐसे याद करना, हाय किसको लगेगी, सबसे ज़्यादा कौन परेशान करता है, चाइना परेशान करता है सबको, तो हाय लगेगी इसे। नेक्स्ट देखो भारतीय सेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत कहाँ सेवा मुक्त हुआ, तो देखो राजपूत के ना जो घर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, कैसे होते थे, विशाल होते थे, ठीक है, तो विशाखापट्टनम, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट
अभी देखो न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है, किसने किया है? न्यूज़, देखो आपको न्यूज़ देखनी हो तो कोई भी चीज़ क्या करते हो, कोई भी अखबार का नाम ना गूगल पे जाके टाइप कर दो और निकल आती है, तो आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल लॉन्च कर रहा है इसे। नेक्स्ट, अभी देखो किसको मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। तो देखो इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, कोबी ब्रायंट। ये अभी ना एक्सपायर हो गया था पिछले साल, किसमें? ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ठीक है? तो ये वही है कोबी ब्रायंट, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ज़्यादा नाम था इनका। नेक्स्ट, अभी देखो पहला कृषि निर्यात, अब देखो पूरी की पूरी, पूर्ण मतलब ऐसे याद कर लो, पूर्ण कृषि अब आप निर्यात कर सकते हो, अब ये नया बिल आया ना उसकी वजह से, तो आंसर सी, इस तरीके से थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो सुजुकी मोटरसाइकिल ने इंडिया में नया अपना प्रमुख चुना है। तो देखो सुजुकी, ऐसे साथ से सुजुकी और साथ से सातोशी, ठीक है? और वैसे भी याद रखना सुजुकी वगैरह ना जापान की कंपनी, तो जैपनीज नाम मिलेगा आपको, अजंता गुंजन ये सब तो इंडियन नाम है, तो ये सातोशी। नेक्स्ट, अभी देखो ईरान ने किस नाम से अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बना गया। देखो अपना इंडिया का जो था ना सबसे शक्तिशाली पहला, तो वो था परम। अभी जो सबसे शक्तिशाली है दुनिया का वो है फुगाकू, ये जापान का। तो देखो ऐसे याद रखो, अभी जो ईरान ने बनाया ना उसमें उसने सिम लगा दी है। क्या लगा दी? सिम, सिमोर्ग है ईरान का, ठीक है? ईरानी कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है? नेक्स्ट, अभी किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण करने की घोषणा की? देखो सबसे पैसे वाला कौन है? रिलायंस जियो, तो यही कर सकता है इतने महंगे कामों को। तो नेक्स्ट, MMA का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर। तो देखो जो फाइट हो जाती है ना एक बार आपकी किसी से, क्या हो जाती है? फाइट, तो आप उसे भूल नहीं पाते, चाहे कुछ हो जाए भूल नहीं पाओगे, तो अर्जुन सिंह भुल्लर, ठीक है? नेक्स्ट, अभी वाईफाई की सुविधा देने वाला 6000 बोल रहा हूँ साथ में, क्या बोल रहा हूँ? 1000, तो हजारीबाग, ठीक है? याद रखना पूछे गए ये क्वेश्चन, मतलब पिछली बार 5500 पूछ लिया था, इस बार ये पूछा जाता है। प्रसिद्ध ग्लोरी अवार्ड, देखो ग्लो, ऐसे याद रखो, आप जब खुश रहते हो ना तो आप क्या करते हो? ग्लो करते हो। आप जब खुश रहते हो तो ग्लो करते हो, ऐसे याद रखना। तो देखो आप प्लीज़ बताना, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, क्या ही ट्रिक्स आपको पसंद आई? अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, और बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, कुछ डाउट आए हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।